बहुत बहुत स्वागत। आप देखना शुरू कर चुके हैं एमपी अब तक। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत खुशखबरी के साथ। आगर मालवा से बड़ी खबर, लाडली बहनों से जुड़ी बड़ी खुशखबरी। एक दिन पहले लाडली बहनों के खाते में आएंगे पैसे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने चुनावी सभा में इस बात का ऐलान कर दिया कि बहनें चिंता ना करें, 5 को रविवार है, लिहाजा 4 मई को आपके खाते में 1250 रुपए आ जाएंगे। ये लाडली बहनों के लिए बहनों ने बहुत सारी माला बनाई। आप चिंता मत करना बहनों, कहने के लिए मैंने 5 तारीख बोली है, लेकिन 5 तारीख को रविवार फंस गया तो एक दिन पहले ही आपकी भी लाडली बहना का पैसा आपके खाते में आएगा, 1250 रुपए महीना। कोई चिंता मत करो। कांग्रेस हाय रे भाजपा, हाय रे भाई साहब, कहां से ला रहो, कहां से ला रहो? अरे कैसे भी ला रहा, तुम्हारे से नहीं मांग रहे भाई, तुम तो इतने भूखे नंगे हो तुम दे भी नहीं सकते। इधर शिवपुरी में पूर्व सीएम शिवराज ने बड़ा बयान दिया। सिंधिया को लेकर उन्होंने बयान दिया कि सिंधी मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का, चौथी बार सरकार बनाने का श्रेय सिंधिया को जाता है। लाडली बहना योजना का भी श्रेय उन्होंने सिंधिया को दिया। कोलारस में सिंधिया के समर्थन में वो जनसभा करने पहुंचे हुए थे और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विशाल आम सभा को इस दौरान संबोधित भी किया। योजना बना पाया तो उसका श्रेय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को। मैं आज सबसे पहले सिंधिया जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं। मेरी बहनों, अपने चौथे कार्यकाल में अगर मैं लाडली बहना योजना बना पाया तो उसका श्रेय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को जाता है। और ये इसलिए जाता है कि ना आप उस गड़बड़ सरकार का कपाड़ा करते हमारे साथ आते, ना हम चौथी बार मुख्यमंत्री बनते। और अब बात करेंगे इंदौर की, जहां मुस्लिम से हिंदू बने हरि नारायण के घर पर पथराव का मामला सामने आया है। हरि नारायण को जान से मारने की धमकी भी मिली है। अज्ञात लोगों ने उनके घर पर पत्थर फेंके और इसके बाद हरि नारायण ने पुलिस अधिकारियों से सुरक्षा मांगी है। आपको बता दें 27 अप्रैल को खजराना के गणेश मंदिर में 8 लोगों ने मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू रीति रिवाज से सनातन अपनाया था, उसमें से एक हरि नारायण है। योजना बन रही है, योजनाबद्ध तरीके से वो प्रतीक्षा कर रहे हैं मेरे कि मैं प्रवेश करूं और कोई ना कोई बड़े घटना को वो अंजाम दे पाए। क्या कहना चाहते, क्या लगता है, क्या करना चाहते हैं? सूचना माध्यम से मिलती भी जा रही है, धमकी भरे कॉल्स और वो सब तो कार्यक्रम के उपरांत भी आए थे और नियमित वो चल ही रहे हैं, लेकिन जो सूचना अन्य माध्यम से जो मिलती जा रही है प्रशासन के माध्यम से और सारा, हाँ बिल्कुल ऐसा कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ने, क्योंकि इंदौर में ऐसा पहला विषय है और खजराने का व्यक्ति वैसा पहला विषय है, तो उसके कारण उनकी एक मानसिकता यह है कि एक व्यक्ति अगर गया है तो उसको ही समाप्त कर दिया जावे, उसको ही समाप्त कर दिया जावे ताकि और श्रृंखला ना बने और कोई व्यक्ति परिवर्तित ना कर पाए, ऐसी भय वो समाज के अंदर उत्पन्न करना चाहते हैं। इधर आगर मालवा जिले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आगर बस स्टैंड पर देवास लोकसभा के प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी के लिए चुनावी सभा को संबोधित किया। सभा में सीएम ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस वालों ने तो कभी गरीबी देखी नहीं। उन्होंने राहुल गांधी पर इशारों इशारों में कहा कांग्रेस वालों को यही नहीं मालूम कि आलू कहाँ उगता है, जमीन में ऊपर उगता है या नीचे उगता है। कौन सी मशीन आज तक नहीं निकल गए, वो बाबू ऐसे पप्पू हैं
कि समझ में नहीं आती वो कहना क्या चाहता है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव रतलाम के जावरा में थे। यहां उन्होंने बोहरा समाज के धर्मगुरु सैयदना साहब से मुलाकात की। सीएम ने बोहरा समाज के धर्मगुरु से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। इससे पहले सीएम के पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि पूरा देश मोदीमय हो चुका है और इस बार बीजेपी मध्य प्रदेश में 29 सीटें जीत रही है। हमारे मंत्री माननीय चेतन कश्यप जी जो रतलाम से झाबुआ लोकसभा के लिए भी लगे हैं और इधर मंदसौर के लिए भी मेहनत कर रहे हैं, सब मित्रों के साथ निश्चित रूप से मोदीमय माहौल है और मुझे पूरा भरोसा प्रचंड बहुमत के साथ हम मंदसौर भी जीतेंगे, रतलाम देवास भी, रतलाम झाबुआ भी जीतेंगे और पूरे प्रदेश की 29 लोकसभा। इंदौर के महू विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि महू विधानसभा क्षेत्र के जिस बूथ पर कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिलेगा वहां वो 25 लाख रुपए का विकास कार्य करवाएंगे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने सवाल पूछा कि क्या आप प्रयास करेंगे कि उनके बूथ पर कांग्रेस को एक भी वोट ना पड़े। अभी हम बताएंगे, अभी तो बहुत सारी जिस पोलिंग बूथ पे कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिलेगा वहां में 25 लाख के विकास के काम करवाऊंगे। जो आप बोलोगे 25 लाख के विकास के काम होंगे उसको पोलिंग बूथ, क्या ये प्रयास करेंगे आप सब लोग कि हमारे पोलिंग बूथ पे एक भी कांग्रेस को वोट नहीं मिले, ऐसे पोलिंग बूथ पे 25 लाख रुपए के विकास के काम करवाऊंगे। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने छिंदवाड़ा लोकसभा सीट जीतने का दावा किया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ के बयान बता रहे हैं कि बीजेपी छिंदवाड़ा समेत पूरे प्रदेश में जीत रही है। वीडी शर्मा ने राहुल गांधी के संविधान की कॉपी लहराने को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं, अपनी खीज मिटा रहे हैं। इस बार 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प को पूरा करेंगे। इस बार छिंदवाड़ा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री मिलेगी, ये सुनिश्चित हो गया है। और आज जो मैं कमलनाथ जी का बयान पढ़ रहा था वो कोई वोटिंग वोट परसेंटेज कितना हुआ है, अरे कमलनाथ जी आपका ये बयान सुनिश्चित करता है कि आप चुनाव। इधर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दतिया के भगवापुरा गांव पहुंचे। यहां उन्होंने सेवड़ा विधायक और बीजेपी नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। शिवराज सिंह ने भिंड दतिया संसदीय क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी संध्या राय के समर्थन में एक आम सभा की, कांग्रेस पर निशाना साधा। शिवराज ने कहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराया, आज कांग्रेस खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने मुरैना में कांग्रेस प्रत्याशी सत्यपाल सिंह सिकरवार के समर्थन में जनसभा की। यहां उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने देश में बेरोजगारी की बात करते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया। प्रियंका जी संघर्ष करो, सबसे पहले तो मैं आप सबसे क्षमा मांगती हूँ कि मुझे आज देश में परिस्थितियां ये है कि बेरोजगारी 45 सालों में सबसे ज्यादा है। मेरे सारे भाई यहाँ पे खड़े हैं, आप बताइए आप में से किसी को रोजगार मिला है पिछले 10 सालों में? आप ये भी बताइए कि आप में से पढ़े लिखे कितने बच्चे हैं? देखा सारे हाथ उठे हैं। अब पढ़े लिखे आप हैं, आपके माता पिता ने खूब मेहनत करके पढ़ाया है। अक्षय कांति बम के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने के बाद भी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक युवती ने इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ कॉलेज में फैकल्टीज के नाम पर की गई धांधली को लेकर जिला कोर्ट में निजी परिवाद लगाया है। परिवाद में कोर्ट को बताया गया कि अक्षय बम ने अपने कॉलेज में A+ ग्रेड पाने के लिए NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में गलत जानकारी प्रस्तुत की। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने बंद लिफाफे में राव पुलिस को पेनड्राइव भेजकर 10 मई को पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में पहले ही UW को शिकायत भी की जा चुकी है।
ये सन 2024 अप्रैल का मामला है जिसके अंतर्गत इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ नामक इंदौर में कॉलेज है जिसके चेयरमैन डॉक्टर अक्षय कांति बम है। इन्होंने अपने प्रबंधन के माध्यम से अपनी वेबसाइट अपने कॉलेज की वेबसाइट पर एक डाटा एनआईआरएफ का डाटा नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क का डाटा अपलोड करा रखा था और उसमें कई अपने यहाँ की फैकल्टियों को नियमित बता रखा था। ये जो नियमित बताने वाले फैकल्टी इनके अंतर्गत इन्होंने एक जो कि जिन भी फैकल्टी को नियमित बताया स्पष्ट रूप से उनको ये सैलरी भी देना दिखाते होंगे और ऐसा करते हुए सैलरी अपनी लाइबिलिटी में से डिडक्ट करते होंगे। इस प्रकार मध्य प्रदेश की एक एक सीट पर संग्राम जारी है। पार्टियों के नेता जीत के लिए भड़काऊ बयान देकर दबाव की राजनीति करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। ऐसे में ही एमपी के अशोकनगर में दबाव की राजनीति का एक ऑडियो वायरल है। इसमें एक बड़े व्यापारी और पूर्व बीजेपी विधायक की बातचीत चल रही है। ऑडियो में व्यापारी ने साफ किया कि उन्होंने भू माफिया के अत्याचार को लेकर जो महाराज यानी सिंधिया से शिकायत की थी वो दबाव की राजनीति थी जिसे विरोधियों ने खूब बनाया। अब व्यापारी उसे अपनी गलती मान रहा है। क्या दोनों के बीच ये बातचीत है वो सुन लीजिए। और मध्य प्रदेश में बड़े नेताओं के दौरे को लेकर भी सियासत लगातार जारी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर बीजेपी ने कहा है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाले महिलाओं के साथ अन्याय और अत्याचार करने वाले नेताओं के साथ मंच साझा कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि राहुल और प्रियंका के दौरे से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार है। जिन सीटों पर राहुल और प्रियंका की सभाएं हो रही हैं वहां बेहद नजदीकी मुकाबला है। प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस की राजनीतिक खोखलेपन और स्तरहीनता का अंदाज जरूर जनता को हो जाता है। ये वही प्रियंका गांधी हैं जो लड़की हूं लड़ सकती हूं की बात करती है पर अपने मंच पर महिला विरोधी और महिला अत्याचारियों को जगह देती है। ये वो लोग हैं जो महिलाओं को टंचमाल कहते हैं, जो आइटम कहते हैं। ये वो लोग हैं जिनके बंगलों में महिलाएं प्रताड़ित होकर आत्महत्या करती हैं और प्रियंका गांधी उनके साथ मंच साझा करती हैं। अशोकनगर में प्रचार के दौरान महान आर्यमन का अलग अंदाज देखने को मिला। उन्होंने माता बहनों के साथ भजन गाया, बुनकरों के साथ हथकरघा पर साड़ी की बुनाई भी की। आपको बता दें कि महान आर्यमन सिंधिया के लिए चुनावी मैदान में इन दिनों प्रचार कर रहे हैं। इधर धार में भोजशाला का सर्वे लगातार जारी है। ताजा अपडेट ये कि भोजशाला के गर्भगृह से परमार कालीन धातु के सिक्के मिले हैं। हिंदू पक्षकार गोपाल शर्मा ने बताया कि गर्भगृह से परमार कालीन धातु के कुछ सिक्के मिले हैं। मुस्लिम पक्षकार अब्दुल समद ने बताया कि भोजशाला के पीछे पश्चिम दिशा में खुदाई का काम हुआ है। और यहां